नमस्कार दोस्तों, आज की खबर सुनकर आप सोचने पर विवश हो जाएंगे कि हमारा देश आखिर जा किस तरफ रहा है। जी हाँ, केरल में एक जिले के डीएम जो कि हिंदू हैं, IAS श्री राम वेंकट रमण, लेकिन क्योंकि ये हिंदू हैं तो वहाँ के मुसलमानों को ये बात हजम नहीं हुई, इसलिए उन्होंने खूब सारी भीड़ निकाली सड़क पर और इन डीएम साहब को हटाने के लिए निवेदन कर डाला। निवेदन क्या, एक प्रकार से ये बाध्यता है, बाध्य किया गया केरल सरकार को। और केरल की सरकार कैसी है वो तो हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, कितनी बड़ी सेक्युलर सरकार है बहुत अच्छे से हम सभी समझते हैं, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। परंतु आप सोचिए, ये क्या करना चाह रहे हैं, ये भीड़ तंत्र के माध्यम से देश को चला रहे हैं। जी हाँ, ये भीड़ तंत्र के माध्यम से देश को चलाना चाह रहे हैं। ये भीड़ जमा करके सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करके सरकार से कोई भी मांग मनवा सकते हैं, ये इन्हें समझ में आ चुका है। और समझ में आए भी क्यों ना। देखिए, ये तो थी पहली खबर जो कि कल की थी, जिसमें केवल निवेदन किया गया था डीएम को हटाने का। और अब आज की जो खबर है वो ये है कि जिस डीएम का विरोध कर रहे थे मुस्लिम, उन्हें केरल सरकार ने हटाया। जी हाँ, कल विरोध किया गया, सड़कें जाम की गई मुसलमानों द्वारा, उन्होंने सरकार पर दबाव बनाया, लोकतंत्र को जोक तंत्र बना दिया, एक भीड़ तंत्र की तरह बना दिया। और आखिरकार केरल सरकार जो कि इतनी अच्छी सरकार है, हम सभी जानते हैं, एक सेक्युलर सरकार है, इस प्रकार की सेक्युलर सरकार, और उसने इनकी बातें मानते हुए एक डीएम को हटा दिया। और वास्तव में ये पहली घटना होगी जब भारत में एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को इस प्रकार एक भीड़ के कहने पर हटा दिया गया। तो ये कितनी बड़ी, आप सोचिए, हमारा देश कहाँ जा रहा है, किस तरफ हमारा देश जा रहा है कि लोग, मुसलमान लोग या कोई भी लोग, अपनी भीड़ खड़ी करेंगे और देश के फैसलों को बदल देंगे। तो सरकारें क्यों से इलेक्ट की जाएं, आखिर वोट देने वालों का क्या महत्व रह गया, जब कुछ लोगों की भीड़ खड़ी होकर बड़े बड़े फैसले बदल देगी और अपने हिसाब से फैसले करवाएगी। इसका मतलब तो यही है कि केरल में जो PFI ने मिशन 2047 का आगाज़ किया, वो आगे बढ़ रहा है और वो हम सभी देख सकते हैं, क्योंकि एक हिंदू डीएम को इसलिए हटा दिया गया क्योंकि वहाँ के मुसलमानों को ये बात हजम नहीं हुई। आगे क्या होगा ये तो भगवान जाने, लेकिन हम केंद्र से, हम गृह मंत्रालय से निवेदन करेंगे कि इस प्रकार के होने वाले ये वाक्य देश के भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक हैं और ये लोकतंत्र के लिए एक प्रकार से काला धब्बा है। इसलिए केरल की सरकार पर कड़ा एक्शन लिया जाए और इन डीएम को वापस नियुक्त किया जाए, ताकि भविष्य में ये हिंदुओं को ये ना लगे कि हमें भी यदि हमारी बात मनानी है तो सड़क पर उतरना पड़ेगा, चक्का जाम पर करना पड़ेगा, आगजनी करनी पड़ेगी। इस प्रकार की सिचुएशन बहुत भयानक है, सरकार को इस पर कड़ा कदम उठाना चाहिए। त्वरित संज्ञान लेते हुए केरल की इस स्थिति को, इस एक ऐतिहासिक क्षण को, जो कि काला धब्बा है लोकतंत्र के नाम पर, इस धब्बे को तुरंत मिटाना चाहिए। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।